ऐसे अगर बिट्टू सिंह को अगर पुलिस का डर नहीं है, अगर ऐसे ही वो ताबा लेते जाएगा तो इधर बहुत सारा होटल चलाने को दिया है। बिट्टू सिंह खुद बोलते हैं कि मैं ओनर है, सुधीर शेट्टी इधर होटल चला रहे, ये ऐसा मिसगाइड किए ले कमिश्नर साहब को या पुलिस को ऐसे मिसगाइड। मीरा भाईंदर में रौनक होटल के मालिक सुधीर शेट्टी और होटल चालक रौनक मनिंदर आनंद के बीच होटल खाली करने को लेकर हुआ बड़ा विवाद मामला मारपीट तक पहुँच गया। आखिरकार होटल मालिक सुधीर शेट्टी और होटल चालक रौनक आनंद दोनों को मीरा रोड पुलिस स्टेशन बुलाया गया। काफी देर कसमकश के बाद पुलिस ने होटल मालिक सुधीर शेट्टी पर ही ट्रेस पासिंग का मामला दर्ज कर दिया। यही नहीं, एक तरफ जहां मामले को लेकर विवाद तूल पकड़ रहा था, वहीं रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए रौनक आनंद ने अपने कुछ गुंडों को भेजकर होटल पर लगे ताले को तोड़कर फिर एक बार होटल पर कब्जा करने का भरकस प्रयास करना शुरू कर दिया। होटल मालिक सुधीर शेट्टी और उनके दोस्त उदय शेट्टी को जब इस बात की जानकारी मिली तो वो वहां दौड़े आए और ताला तोड़ने का विरोध जताते हुए मामला पुलिस में होने की बात कही, जिस पर पास ही खड़े रौनक आनंद के गुंडों ने उनको गाली गलौज करना शुरू कर दिया। मौके वारदात स्थल पर पहुंची पुलिस तो गुंडे वहां से 9-2-11 हो गए। आइए आपको सुनाते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर उदय शेट्टी ने क्या जानकारी दी। होटल सुधीर शेट्टी का है, सुधीर शेट्टी का होटल बिट्टू सिंह को 2016 में चलाने के लिए दिया, 2016 में चलाने को दिया, देने के बाद 2021 को उसका 5 साल के लिए दिया था, 5 साल में एग्रीमेंट खत्म हुआ। लेकिन इंसानियत के दौर में उन्होंने आके रिक्वेस्ट करने के बाद कोरोना का टाइम में 2 साल उनका वेस्ट किया करके 2 साल बढ़ा के दिया। 2 साल बढ़ाने के बाद ये मार्च 31 को उसका 2 साल भी खत्म हो गया। लेकिन मार्च 31 को आके बिट्टू सिंह और उसका भाई लोग ने आके सुधीर शेट्टी का ऑफिस में बैठ के पूरा हिसाब किया और एक तारीख से सुधीर शेट्टी को हैंड ओवर किया उसका पोजिशन हिसाब करने के बाद। आज वो हैंड ओवर करने के बाद उसका आदमी लोग सब इधर था, 2-4 लोग, उसका पगार सब दिया नहीं था, पगार देगा मैं, और जो वेंडर से सामान लिया हुआ है उसका पूरा पेमेंट क्लियर करने के बाद पूरा हिसाब करने का फाइनल हुआ था। पोजीशन बकायदा 1 तारीख से सुजीत अपना सुधीर शेट्टी को दिया था, लेकिन सुधीर शेट्टी को देने के बाद बावजूद भी सुधीर शेट्टी का कोई भी परमिशन का बिना उन्होंने ऑनलाइन एक्साइज का चलन भर के सुधीर शेट्टी का फॉल्स सिग्नेचर, डुप्लीकेट सिग्नेचर करके एक्साइज में सबमिशन करने गए। और बाकी 2 साल से सुधीर शेट्टी का सब लाइसेंस वो उसका बिट्टू सिंह और उसका बेटा रौनक और उसका भतीजा करण, ये तीनों ने फोर्स मिसयूज करके रिन्यूअल करके लिया। आज उसका बाद में उन्होंने कोर्ट में आज मुंह करने का सोच के आज वो खुद घुसने के लिए आया। आज उसको कोर्ट में क्या हुआ मुझे मालूम नहीं, लेकिन सुबह हम लोग इधर सुधीर शेट्टी उसका भाई लोग इधर था, तभी वो जबरदस्ती का इधर आके पुलिस को फोन करके हमारा ताबा ले लिया करके जबरदस्ती का फॉल्स कंप्लेंट किया। उसके बाद पुलिस वाला ने आके इधर से सुधीर शेट्टी उसका भाई लोगों को सबको ये करके लेके गया, किधर लेके गया मालूम नहीं। सुधीर शेट्टी को 11-12 बजे ये लोग लड़के लोग को लेके आके डाला हुआ ताला पूरा तोड़ के अंदर घुसने के लिए, रात का फायदा उठा के ताला तोड़ के अंदर घुसने के लिए। ताला भी देखो, अभी ताला पूरा जो डाला हुआ ताला तोड़ रहे हो, ताला तोड़ते समय आप लोगों का वीडियो में भी रहेगा, लेकिन ये सब इधर चल रहे। वो बिट्टू सिंह का कनकिया पुलिस स्टेशन के अंदर में 3 होटल चलाते, तीनों होटल का ओनर ने जाके उधर कंप्लेंट किए ले, वो किसी को भाड़ा ही नहीं देते और होटल खाली नहीं करते, इसका पेशा है। आप भी समझदार है, मैं भी समझदार हूँ। हर नीचे का व्यक्ति ये बोलेगा ऊपर वाले ने बोला, ऊपर वाला बोलेगा उनको सरकार ने बोला। ये जो नियम जो प्रकृति चलती आ रही है कि ऊपर से प्रेशर आया नीचे ने काम किया। पर मैं ये जानना चाहता हूँ, जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, आप लोगों को पता होगी कि 7 साल के नीचे की कोई भी सजा में किसी को अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो सारे हमारे स्टाफ को आज होटल से अरेस्ट क्यों किया गया है? अरेस्ट करने के बाद वो उसका, जबकि ये अवेलेबल ऑफेंस है, उसका फायदा उठा के अभी रात का टाइम में अरेस्ट करने का कारण था। ये जो देख रहे हैं, ये जो दस्ते, इनको ये एक भी व्यक्ति का इधर क्या लेना देना मेरे को बताइए। जो खड़े आला तोड़ते हुए जो व्यक्ति खड़ा था 2 मिनट पहले उधर खड़ा था, उसका फिर से वीडियो लिया मैंने, इनके साथ खड़ा था, तो ये साबित होता है कि ये थेफ करने की तैयारी है। आप खुद देख सकते हैं ये अवेलेबल ऑफेंस तो था, पर ये तो थेफ है। वो मतलब एक चोर लोगों को किस तरह अंदर एंटर किया जाए प्रॉपर्टी के अंदर, ये खुद ये मदद कर रहे हैं, तो अभी इनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है मैं वो देखूंगा। ये लोकल में कैप्चर है जो भी हम बोल रहे हैं कि जब हमने होटल ली, हमने उनसे बात की, हमने बकायदा होटल में एंटर किया। 31 तारीख को हम होटल के अंदर आ चुके थे, हमारी प्रॉपर्टी में हम आने के बाद आज 5 दिन बाद ये रियलाइज होता है कि हम ट्रेसपासर है हमारी प्रॉपर्टी में। बहुत खुश हूँ अगर पुलिस ने ये कार्रवाई की है, पुलिस अगर ये बोलती है कि मेरी प्रॉपर्टी पे ट्रेसपास करने पे उन्होंने ये एफआईआर ली, तो अभी ये प्रॉपर्टी मेरे पोजेशन में है।
अगर ये लड़के यहाँ खड़े रह के ट्रेसपास कर रहे हैं तो इनपे अभी की अभी FIR हो। इस प्रकार अगर FIR होती है, मुझे खुशी है कि हमारी पुलिस व्यवस्था इतनी स्ट्रांग है कि 2 मिनट में एक FIR होती है, तो मैं चाहता हूँ अभी की अभी FIR हो और इनपे ट्रेसपास नहीं होगा, इनपे थेफ होगा, क्योंकि ये ताला तोड़ रहे हैं। ट्रेसपास का तो मतलब होता है जब मैं किसी की प्रॉपर्टी खुला उसमें घुसने की कोशिश, ये तो ताला तोड़ के बकायदा मेरी प्रॉपर्टी में घुस रहे हैं। ये किसके बोने पे आए हैं और किसके गुंडे हैं या गुर्गे हैं जो भी है, वो पुलिस आके पता करे।